लिक्विड बहुत कम देगी। प्लीज सब्सक्राइब माई ऑल थ्री चैनल। अब है भाई आपके नया पॉइंट है लाइफ पॉलिसी, जीवन में पॉलिसी है वैसे, जीवन पर जाती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नया पॉइंट है। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितनी प्रकार होती है आपके, दो तरह की, एक तो होती है इंडिविजुअल, मतलब क्या होती है व्यक्तिगत, और एक होती है आपके ज्वाइंट, मतलब आपके संयुक्त। व्यक्तिगत में क्या होता है हर एक की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है, अगर पार्टनर तीन है ए बी सी तो हर एक की पॉलिसी भी कितनी होगी अलग अलग, किसी की 60,000 होगी तो किसी की 50,000 होगी, किसी की 70,000 होगी, सब क्या होगी अलग अलग पॉलिसी होगी सबकी वैल्यू के हिसाब से, मतलब कौन फर्म में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी व्यापार में उसकी पॉलिसी क्या होगी ज़्यादा होगी, जिसकी कम है उसकी पॉलिसी क्या होगी कम होगी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि जिसकी महत्वपूर्ण ज़्यादा है वहाँ पर व्यापार में उसकी पॉलिसी ज़्यादा ले रखी है, और सब पैसा कौन भरता है व्यापार फर्म ही भरता है। इस पॉलिसी की जो इस हर एक की क्या आएगी फिर, एक पहले मैं ये बता रहा हूँ इंडिविजुअल हर एक की क्या है अलग अलग पॉलिसी ले रखी होगी हर एक की, जैसे सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ सी मैनेजर है या फिर ज़्यादा कुछ काम कर रहा है ज़्यादा पॉलिसी होगी, इसका काम बहुत कम है उसकी पॉलिसी क्या होगी आपके कम होगी। और प्रीमियम भी ऐसा ही आएगा आपके, जैसे माल 10% या 15% प्रीमियम होता है, माल 10% प्रीमियम है तो क्या आएगा 6,000 रुपये 5,000 रुपये और क्या आ जाएंगे 7,000 रुपये, ये क्या आ जाएगा उसका प्रीमियम। और प्रीमियम का पैसा कौन देगा, ये पूरा पैसा कौन देगा फर्म देगा, ये हमारे घर पर ली गई पॉलिसी वाली वो वाली पॉलिसी नहीं है, इसमें मृत्यु और अवकाश दोनों आते हैं। ये पॉलिसी ली जाती है कि मान लो कोई फर्म है, फर्म में कोई व्यक्ति जाता है या कोई नया आता है, ज़्यादातर जाने पर ही है, अगर कोई व्यापारी इन तीनों में से कोई एक चला गया तो व्यापार क्या होगा नुकसान होगा, क्योंकि व्यापार भी अच्छा कमा रहा है, बाई चांस किसी कारण या तो मृत्यु हो जाए या किसी भी कारणवश चला जाए, अब जैसे ही जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे दो, उनको क्या हो गया घाटा हो गया, चाहे इन्होंने निकाल दिया या खुद चला गया किसी न किसी कारण से चला गया, तो वो जो नुकसान हो रहा है नुकसान कौन भरेगा फिर, फर्म भरेगा कि आपको लॉस हुआ उस व्यक्ति के जाने से, इसलिए हम आपको क्या देते हैं पैसा देते हैं, इन तीनों में से कोई भी जाता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सबसे अलग अलग ली जाती है। फर्म में कोई भी जाता है कोई भी पार्टनर ए बी सी में कोई भी जाता है उसका नुकसान कौन भरेगा, उसका नुकसान कौन भरेगा फर्म भरेगा। तो तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों अलग अलग ली जाती है और अलग अलग क्या देंगे प्रीमियम का पैसा देंगे, और ये पैसा कौन भरेगा सबके सब फर्म भरेगा, और फर्म भरेगा साथ में जो भी आपके इस चुकाने के कारण आपको जो भी लॉस होता है वो कहाँ जाएगा सारे सारे आपके पेन में क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी एक मरता है, जैसे मान लो ये मर गया सी की मृत्यु होती है तो रुपये कितने आएंगे 70,000, कितने आएंगे रुपये 70,000, चाहे मृत्यु होती है या अवकाश ग्रहण करता है, यहाँ मृत्यु से मतलब भी नहीं, यहाँ पॉलिसी ली जाती है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आया या फर्म से चला गया तो फर्म को उसके कारण लॉस होगा, फर्म लॉस में चला जाएगा, वो घर पर ली गई पॉलिसी वो वाली पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी है कि अगर फर्म से कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके कारण काम कम होगा, और काम कम होगा तो आपके क्या होगा लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई करने के लिए ही पॉलिसी ली जाती है। अगर कोई चला जाता है तो फिर फर्म कितने रुपये आएंगे 70,000 रुपये आएंगे, लेकिन आएंगे 70,000 रुपये जो भी रुपये मिले ना आपको 70,000 रुपये वो किस में बटेंगे, तीनों में, ए में बटेगा बी में बटेगा और सी में, तीनों में बटेगा, प्लस इसमें आपके सरेंडर वैल्यू भी ऐड करना है। इसमें होता क्या है कि जैसे जितना 70,000 रुपये दे रखा है इसका प्लस अपनी तरफ से ये कुछ मूल्य अपनी तरफ से क्या करेंगे सरेंडर करेंगे उसके प्रति देखकर, ताकि राशि थोड़ा बढ़ जाए, अपनी तरफ से कुछ सरेंडर करेंगे वैल्यू, और वो सरेंडर वैल्यू साथ जोड़कर तीनों में बांट देंगे। अब आप कहोगे है तो इसकी और बांटेंगे तीनों में क्यों, क्योंकि जो भी पैसा गया वो सब पैसा किसका गया था फर्म का गया था, और फर्म में तीनों कमा रहे थे तीनों पैसा था, किसी ने अपने घर से एक रुपया भी नहीं दिया, ये 7,000 6,000 5,000 टोटल कितना जा रहा था 18,000 रुपये जो भी जा रहा था एक भी दूसरा नहीं दे रहा था, सब ये फर्म ही दे रहा था, फर्म में मतलब तीनों का पैसा ही लग रहा था, तो फिर किसी का पैसा गया नहीं, किसी ने घर से कोई एक भी रुपया नहीं दिया तो घर से एक रुपया भी नहीं दिया, तो अगर वो जाता है तो फिर पैसा किन बटेगा तीनों में बट जाएगा, बी मरता है तो 50,000 प्लस सरेंडर वैल्यू ए और सी का, अगर ए मरता है तो यहाँ आ जाएगा 60,000 रुपये और बी और सी का क्या आ जाएगा सरेंडर वैल्यू, उसके लिए आपको खाता बनाना पड़ेगा। अब खाता बनाते हैं तो ये आपको ऐसा बनाना है, यहाँ आएगा आपके चाहे खाते बना सकते हो एंट्री भी कर सकते हो, जनरल एंट्री होती है, देखो एंट्री बता दो पहले, एंट्री क्या होती है हमने प्रीमियम चुकाया तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR तो क्या आ जाएगा बैंक या केस का यूज़ कर लो, ये चुकाना है। और ये है ना कहाँ जाएगा आपका PNL जाएगा, तो PNL अकाउंट DR तो क्या आ जाएगा आपके इंश्योरेंस प्रीमियम। ये कब तक करना है, जब तक तो मर नहीं जाता या फर्म छोड़कर चला नहीं जाता तब तक पॉलिसी एंट्री करेंगे। ये बार बार एंट्री करते रहेंगे, यही इंश्योरेंस प्रीमियम टू केस और साथ में PNL टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर इसका आप चाहो इसका अकाउंट बना सकते हो ऐसा, यह आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ क्या आएगा आपके टू बैंक और यहाँ क्या आ जाएगा बाई PNL सेम राशि, खाता बंद अकाउंट बंद। वापस अगले साल वापस से किस्त चुकाएंगे और साल के एंड में 31 मार्च को कहाँ भेजेंगे हम PNL में, फिर से किसी किस्त आपको चुकानी है और फिर से हम कहाँ भेजेंगे हम PNL में, ऐसा चलता रहेगा, चलता है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही मरता है तो क्या आएगा, पहले आपको क्लेम करना है। पहले क्या करना है आपको, जैसे मरा या चला गया सी छोड़, जैसे सी है उसने कहा भाई मुझे अब नहीं रहना फर्म में, तो जाएगा तो हमें क्या होगा, एक आदमी कम हो जाएगा तो हमारे हर तरह का लॉस होगा। क्योंकि अगर मान लो एक व्यक्ति होता तो और कहीं काम करता वो और फर्म को आगे बढ़ाता, ये चला गया हमें लॉस हो गया, हम क्या करेंगे फिर क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी पर, क्या भाई देखो ये आदमी चला गया है इसकी पॉलिसी पैसे जो भी बन रहे हैं वो लेके आओ, पॉलिसी पैसे देने हैं। ज़्यादातर मृत्यु पर ही लाते हैं, छोड़ के जाने पर बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसा तो अगर इसका फ़ायदा उठाए फिर गलत कंपनी वाले कि रोज़ किसी को बाहर निकाल दो पैसे ले आओ कंपनी से, तो ज़्यादातर मृत्यु पर ही होता है, मृत्यु पर ही लिया जाता है क्लेम। अब क्लेम पहले तो क्लेम करना है, तो क्लेम की एंट्री क्या हो जाएगी आपके इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR क्या आ जाएगी लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ नहीं आएगी, ज्वाइंट तो इसमें होता है संयुक्त में, व्यक्तिगत में इंडिविजुअल है, तो यहाँ क्या आएगा आपके लाइफ पॉलिसी आएगी। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ देखो कहीं इंश्योरेंस कंपनी नाम नहीं, यहाँ क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इसमें एंट्री नहीं आएगी, इसमें केवल आपको पैसा चुकाना है और PNL ट्रांसफर करना है वही आएगा इस खाते में और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब ये आएगा इंश्योरेंस कंपनी, हमने क्लेम कर दिया, अब वो क्या देगी पैसा देगी हमें केस अकाउंट DR2, पैसा देने वाली कौन है इंश्योरेंस कंपनी। अगर हमने क्लेम किया 5 अप्रैल को और पैसा मिला मुझे 8 अप्रैल को या 6 अप्रैल को या 7 अप्रैल को, कितनी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, 2 एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने क्लेम किया 5 अप्रैल को और 5 अप्रैल को ही पैसा मिल गया तो 2 एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 एंट्री कर लो, मतलब ये DRCR कट जाएगा। हमने क्लेम किया पैसा आ गया केस अकाउंट DR2 लाइफ पॉलिसी, कितना आ जाएगा लाइफ पॉलिसी आ जाएगी सीधा, इन दोनों से 1 एंट्री कर दो। लेकिन कब करनी है, जब क्लेम करने की और राशि मिलने की दोनों की तारीख सेम हो तो आपको 1 एंट्री करनी। ऐसे सवाल निकल आएगा, ज़्यादातर आप ये एंट्री करो तो भी चलेगा, हाँ लेकिन अलग अलग डेट है तो फिर अलग अलग आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब जो भी पैसा है लाइफ पॉलिसी का वो क्या करो, तीनों में बांट दो, तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2A में बांटेंगे, बी में बांटेंगे और सी में बांटेंगे। कितना बांटेंगे, एक तो जो गया है जैसे मान लो सी गया तो सी के कितने 70,000 प्लस सरेंडर वैल्यू, अब सरेंडर जितना सवाल में दे रखा है वो सरेंडर लेना है, फिर तीनों में बांट देना है, कौन से अनुपात में लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे लाभ हानि अनुपात में, तीनों के ABC में तीनों में बांट देना। तो ये एंट्री आपको करनी जब तक मरे नहीं, जैसे मर जाए क्लेम करना है पैसे लेने हैं, पैसे लेकर तीनों में बांट देना, वो भी सरेंडर वैल्यू जोड़ते हुए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो देखो इंडिविजुअल पॉलिसी व्यक्तिगत पॉलिसी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देर का ABC तीन पार्टनर है, एक ए है एक बी है और एक सी है, तीन पार्टनर है, तीनों का अनुपात देर का रेशो देर का है 3:1 का रेशो देर का। अब इसने कहा है फर्म में उनके जीवन बीमा पॉलिसी ये है आपके 60,000 रुपये, ये तो ज्वाइंट वाली है या होगा उदाहरण, ये ABC अनुपात 3:2 ही है। अब ये तीनों की तो अलग पॉलिसी है 80,000 50,000 और 60,000, 80 50 60, इसकी तो है 80,000 इसकी है 50,000 इसकी कितनी है 60,000, तीनों की तीन अलग 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 पॉलिसी दे रही है व्यक्तिगत, तीनों की इंडिविजुअल पॉलिसी है, तीनों की अलग अलग। अब क्या कहा देखो ये पॉलिसी, अब प्रत्येक की पॉलिसी पर 10,000 6,000 4,000 प्रीमियम है, 10 6 4, इस पर प्रीमियम है 10,000, इस पर है 6,000 और इस पर कितना है 4,000 का, तीनों पर प्रीमियम ले रखा है। ये तो है पॉलिसी, ये तो है आपके लाइफ पॉलिसी,
और ये क्या है, प्रीमियम का पैसा, मतलब आपको हर साल तीनों के 20,000 रुपये देने हैं। कहाँ देने हैं? इंश्योरेंस कंपनी वालों को देने हैं, और आपको हर बार हर साल भुगतान करना है जब तक वो मर नहीं जाते, तब तक आपको हर साल 20,000 रुपये देते रहना। अब बीमा प्रीमियम की लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा। आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? PNL में ट्रांसफ़र करना है। 1 जुलाई को क्या हो गई है? एक की मृत्यु हो गई, 1 जुलाई को हो गई है 2017 को, ये हो गई है एक की डेथ हो गई, एक की मृत्यु हो गई। लेकिन पॉलिसी कब ली थी हमने? पॉलिसी ली थी 1 अप्रैल 2015 को ली थी पॉलिसी हमने, जो भी ली थी ना ये वाली पॉलिसी, 1 अप्रैल 2015 को ली थी, और डेथ होती है 1 जुलाई को, मतलब 2 साल बाद। तो 15 आएगा, 16 आएगा, 17 में क्या होगी? उसकी डेथ होगी, 17 में डेथ है। अब 3 जुलाई को देखो डेथ कब हुई, 1 जुलाई को, पैसा कब मिला? 3 जुलाई को, डेथ तो हुई 1 जुलाई को। जैसे डेथ होती है ना, डेथ होती है हमने फ़ोन करना पड़ता है उसको, कंपनी वाले को। तो मतलब क्लेम भी कितनी तारीख को किया हमने? क्लेम किया है 1 तारीख को, और पैसा कब मिला हमें? 3 जुलाई को हमें केस प्राप्त हो गया, रिसीव हो गया। अब इसमें ए बी और सी ने सरेंडर किया 16,000 और 8,000 सरेंडर वैल्यू दे रखी है। बी की तो है 16,000 रुपये, और सी की कितनी दे रखी है आपके? 8,000 सरेंडर वैल्यू दे रखी है। हमें जन्म प्रविष्टियाँ करनी है और जिनमें पॉलिसी दर्शाई है, आप चाहो तो एंट्री कर दो या ऐसा खाता भी बना सकते हो। खाता सिंपल में बताया था, एंट्री करनी है तो ये बताया हुआ है, ऐसे एंट्री कर दो या ऐसे खाता बना लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। खाता बनाना है तो खाता बना सकते हो इजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ऊपर यह आएगा आपके इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एक तो है 17, यहाँ लिखेंगे देखो 2015 एक अप्रैल को हमने एक किस्त चुका दी एक बैंक, कितनी चुकी बताओ? 10,000, 6,000, 4,000, कितनी चुकाई? 20,000 किस्त चुकाई हमने। और वो 20,000 रुपये 2016 को 31 मार्च को हमने कहाँ भेज दिया है? PNL में भेज दिया। कितना भेज दिया हमने? 20,000 रुपये। अब ये आगे वापस से आपको क्या लिखना है? 2016 लिखना है और 1 अप्रैल लिखना है। वापस तो हमने क्या करनी है? किस्त चुकानी है। कितनी चुकाएंगे वापस से? 20,000 रुपये तीनों की। और वही 2017 में सेम तारीख को साल के एंड में कहाँ भेजेंगे हम? PNL भेजेंगे। कितना भेजेंगे? 20,000 रुपये। वापस से 2017 में 1 अप्रैल को वापस किस्त चुकाई, कितनी चुकाई हमने? 20,000 रुपये चुकाया। अब अप्रैल आई है, अप्रैल के बाद क्या आ गई? जुलाई। जुलाई में क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई, हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो क्लेम करेंगे तो एंट्री क्या होगी? देखो ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम है और इंश्योरेंस कंपनी, दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए देखो हमें एंट्री अलग से करनी पड़ी। पहला करना है आपको क्लेम। क्लेम कब करते हैं? जब डेथ होती है, मतलब कम आपको फ़ोन करके कहना पड़ता है कि एक ही डेथ हो गई है तो पॉलिसी पैसा आप तैयार रखो। किस कारण से भी आप जाँच करते रहना, क्योंकि जाँच करना आते हैं 2-3 दिन लगते हैं, तो जाँच करेंगे और फिर आपको पैसा देंगे कि जानबूझकर मारा है या खुद ही मर गया है या किसी ने मारा है, तो फिर चेक करेंगे, जांच करेंगे, या उसकी बीमारी इतनी थी तो वो सब चेक करने के लिए आएंगे। तो 1 जुलाई को क्या हो गई इसकी? 1 जुलाई को डेथ हुई, तो क्लेम करो। तो क्या आएगा? पहले क्लेम करना है, तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके, क्या नाम है ये, जॉइंट लेबर टू लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी लिखना। कितने की पॉलिसी थी? बी मरा है, ए मरा है, ए की पॉलिसी कितनी है? 80,000 की है। तो यहाँ लिखेंगे 80,000 यहाँ भी और 80,000 यहाँ भी। अब पैसा कब मिला आपको? 3 जुलाई को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 3 जुलाई की डेट को पैसा आया, केस अकाउंट DR2 क्या आ जाएगा आपके? लाइफ पॉलिसी। कितना लिखेंगे? 80,000 यहाँ भी और 80,000 यहाँ भी। अब इस लाइफ पॉलिसी तीनों में बांट देंगे, तीनों में बांटो, एंट्री क्या होगी? लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2 ए में बांटेंगे, बी में भी बांटेंगे और सी में भी बांटेंगे। कितना? 80,000 प्लस दोनों का सरेंडर वैल्यू, 80,000 तो ये और 24,000 ये, कितना हो गया? 1,04,000। 1,04,000 को तीनों में बांट देंगे, जैसे यहाँ गलत छपा हुआ है, 1,04,000 को तीनों में बांटेंगे। इसने डेथ किसी और की कर दी यहाँ पर, ये 60,000 मान ली इसने, हाँ गलत है यहाँ पर। तो सही कितना आएगा? 80,000 प्लस 24,000 कितना होता है? 1,04,000 को तीनों में बांटना है ए बी सी में। तो अनुपात क्या है दोनों का? 3:2:1, 6 का भाग दो उसमें, लॉग 1,04,000
फायदा कितना कर देंगे, 6। उत्तर पॉइंट हम आ रहे हैं, इसको ये लिखेंगे यहाँ पर 17,333। अब यहाँ माइनस कर देंगे, इसमें डबल कर दो, कितना आता है 34,667। 34,667 और ज़्यादा जोड़ना है, प्लस 17,333, ये रहा 51,052 होता है। यहाँ से तीनों बाँट दें, जैसे यहाँ इसने गलती से 60,000 ले लिए, इसलिए इसने ऐसे बाँट दिया। आपको क्या लेना है, जिसकी डेथ होती है ना वो पैसे, और साथ में क्या लेना है, सरेंडर वेल्थ लेना, और तीनों में से बांटना है। तो ये पॉलिसी, अब ये कौन सी है आपके, इंडिविजुअल पॉलिसी है। अब आ जाए आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब है आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि ए की, बी की, सी की, तीनों की एक साथ पॉलिसी लिया, तीनों में से कोई मर जाए तो पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। इसमें इंडिविजुअल मतलब होता है कि ए की, बी की और सी की, तीनों की पॉलिसी का जो अमाउंट है एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। और इसको क्या करना है, आपको प्रीमियम भी आपको एक ही चुकाना है। प्रीमियम चुकाना है, जैसे मान 10,000 रुपये देना है तो बस एक ही देगा, और वो कौन देगा, वो भी फर्म देगा, वो भी कौन देगा, फर्म देगा। तो यहाँ कोई मर जाए ए बी सी में से, देखो पहले सी मरता था तो सी के पैसे ही आते थे, बी मर जाए तो बी के, और ए मर जाए तो ए के। अब यहाँ पर कोई मर जाए तीनों में से, पॉलिसी पैसे पूरे पूरे एक साथ आएंगे। और ऐसी स्थिति में आपको इसमें कैलकुलेशन करने के तीन मेथड है। एक तो है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हुए कहाँ ट्रांसफ़र करना, पीएनएल में ट्रांसफ़र करना, इसको खर्चा मानना। क्या मानना, खर्चा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, और खर्चा कहाँ जाता है, हमेशा पीएनएल में, तो इसको मानना एक्सपेंसेस, खर्चा मानना, एक्सपेंस मानना, और कहाँ से ट्रांसफ़र करना, पीएनएल में, सेम इसकी तरह पूरा पूरा टू कॉपी इसका, पहला मेथड तो इसका पूरा जैसे मैंने बताया ना वैसे पूरा पूरा टू कॉपी। दूसरा है इसको मानना, जो भी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको एसेट्स मानना, संपत्ति, एसेट्स मानेंगे तो यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा था ना, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, नया नाम आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और इसे कहाँ ट्रांसफ़र करना, पीएनएल में क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है। तीसरा है उसमें है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या मानना, असेट्स, संपत्ति मानना, और संपत्ति मानकर आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसको रिजर्व का निर्माण करना, रिजर्व बनाना, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। तीन है, पहला तो सेम्स की तरह ही है, और ये ध्यान रखना है इसमें आपके सरेंडर वैल्यू नहीं आएगा, और सरेंडर वैल्यू का अलग ही मेथड है, इसमें जो सरेंडर वैल्यू किया ना वो तरीका नहीं है, थोड़ा सा अलग है। सरेंडर वैल्यू आएगा इसमें भी, लेकिन आपको सरेंडर वैल्यू पहली विधि में सरेंडर वैल्यू काम में नहीं लेना है, सेकंड से लेना है और थर्ड से लेना है। और सेकंड में भी कैसे लेना है, सरेंडर वैल्यू को आपको बैलेंस, जो भी सरेंडर वैल्यू आता है उस सरेंडर वैल्यू को आपको बाई बैलेंस सीडी में लिखना है, वो भी अंतर क्या नाम है, जितना सवाल में कहा जाए वो रखना है, बैलेंस सीडी में क्या रखना है, और बाकी का जो पैसा बचे, जो भी अंतर बच रहा है वो जाएगा आपके पीएनएल में ट्रांसफ़र होगा। तो जो भी सरेंडर लिखा हुआ है वो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस सीडी में, और फिर आपको बैलेंस फिगर जो भी अंतरराशि बचेगी वो कहाँ जाएगी, आपके पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसमें तीन मेथड है, इंश्योरेंस प्रीमियम को पीएनएल ट्रांसफ़र करना, संपत्ति मानना, और संपत्ति मानते हुए रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। तो पहला मैं ये बता रहा सबसे पहले, क्वेश्चन दे रखा है इसका, एक क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके इस टाइप का है क्वेश्चन। ए बी सी तीन पार्टनर है जो किस अनुपात में, 2:2:1 में, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीन तीन पार्टनर दे रखे हैं, तीनों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:2:1 का अनुपात है। अब सभी साझेदार के जीवन पॉलिसी, देखो सभी जॉइंट सब तीनों पर पॉलिसी कितनी है, 80,000 की ले रखी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और प्रीमियम कितना देना है आपको, प्रीमियम कितना दे रखा है, प्रीमियम कितना यहाँ दिया हुआ नहीं, खर्चा माना, ये लिखा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द फर्म पेज एनुअल प्रीमियम 6,000, 6,000 रुपये प्रीमियम चुकाती है, हिंदी मिस प्रिंट छपा हुआ है। तो देखो आपके प्रीमियम चुका रहे ना, वो प्रीमियम कितना दे रहा है, 6,000 रुपये हर साल, एक साल का 6,000 रुपये प्रीमियम चुकाना है। अब यहाँ पर देखो सरेंडर वैल्यू दे रखा है तीनों का, ये 4 साल का दे रखा है, 2013, 14, 15, 16, देखो 2013 का भी दे रखा है,
14 का, 15 का और 16 का, इन सब का हर साल का यहाँ दे रखा है सरेंडर वैल्यू। पहले तो है जीरो, नील बटा नील कुछ नहीं। अगले में 2000, 4000, 6000, फिर है आपके 2000, 4000 और 6000, ये दे रखा सरेंडर वैल्यू। ले मैंने पहले बताया था सरेंडर वैल्यू पहली स्थिति में नहीं आता है, अगली दो स्थिति में आता है। अब यहाँ आगे क्या दे रखा है, प्रीमियम को क्या मानना है आपको, खर्चा मानना है, दूसरा विनियोग मानना, विनियोग मतलब संपत्ति मानना, एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट मानो, एसेट्स मानो, और तीसरा है आपको इन्वेस्टमेंट मानना और क्या करना, संचय का निर्माण करना, रिजर्व का निर्माण करना, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले बता रहा हूँ आपको व्यापारी खर्चा मानना, व्यापारी खर्चा मानना, खर्चा कहाँ से होता है, पी एन एल में, तो सेम होगा जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको, यहाँ भी लिखना है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम। इसकी डेथ कब होती है, इसकी डेथ होती है आपके 1 जून 2016 को, 1 जून 2016 को डेथ होती है, तो आपको 4 साल के खाते बनाने, इसमें आपको इंडिविजुअल ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, करना क्या है, सबसे पहले आएगा आपके 2012 1 अप्रैल, यहाँ आपको किस्त चुकानी, पॉलिसी कब ली, 1 अप्रैल को ली, 2013 को, 2012 में स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले टू बैंक किस्त चुकाई हमने, कितनी चुकाएंगे बताओ, 6000 रुपये चुकाएंगे, और पूरे पूरे 6000 रुपये 2013 में 31 मार्च को कहाँ जाएंगे आपके, बाई पी एंड एल में जाएंगे, कितने जाएंगे पी एंड एल में, 6000 रुपये, खाता बंद। वापस से अगली साल सेम, वापस क्या लिखना है, टू बैंक, साल अगला गया 2013, वापस है 6000 रुपये, वापस है 2013 और वापस 31 मार्च, वापस क्या आएगा बाई पी एंड एल, कहाँ लिखेंगे हम, 6000 रुपये, ऐसा कितनी बार करना है, वापस है 2014 भी आएगा 6000, ये 13 है, ये 2014 है, फिर है 2015 और कहाँ भेजेंगे हम इसे, पी एंड एल में भेजेंगे यहाँ पर 6000 रुपये, फिर से यहाँ पर 2000 ये आ जाएगा 15 और 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके बैंक, यह आ जाएगा 6000 रुपये और ये आ जाएगा 2016 31 मार्च को कहाँ भेजेंगे हम, पी एंड एल में भेजेंगे, कितना, 6000 रुपये। वापस से अब 2016 1 अप्रैल को टू बैंक, कितने चुकाएंगे, 6000, ऐसा थोड़ी है कि उसकी मृत्यु होने वाली 1 जून का से और पैसे में चुको, किसी को पता थोड़ी ऐसा कब मरेगा, तो पैसा चुका दिया हमने, पैसा चुकाने के बाद 1 जून को क्या हो गई मृत्यु, यहाँ डेथ यहाँ एंट्री एक ही दे रखी है, तो क्या आएगा, सीधा पैसा आएगा, तो क्या एंट्री करेंगे, ऐसे क्लेम की एंट्री कर सकते हो अलग से, क्लेम की एंट्री क्या होती है, ये आपके पूरा हो गया है, अब ये खाता नहीं बनाना है क्योंकि इसमें खाता बनते, क्योंकि ये अलग नाम है और ये वाला नाम अलग है, यहाँ क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2, वहाँ लिखते थे लाइफ पॉलिसी, यहाँ क्या लिखना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितना मिलेगा मरने पर, 80000 रुपये मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 80000 रुपये, यहाँ में लिखेंगे 80000 रुपये, इस 80000 को तीनों में बांट दो, ए में, बी में और सी में, तीनों में बांट देंगे, यहाँ 80000 दे रखा है, तीनों 80000 बांट दो, तो अनुपात कितना है आपके, 2 2 1 है, 2 2 4 और 1 5, 5 का भाग दो, 16 बार जाएगा, तो 16 एकम 16 16 32 16 32, ये तीनों में बांट दें, ये सवाल हो गया पहला कंप्लीट, इसमें सरेंडर वैल्यू काम में नहीं लेते। अब है दूसरी स्थिति, जब क्या मानना है आपको, विनियोग मानना है, तो यहाँ आपको ये सरेंडर वैल्यू का खास तौर से ध्यान रखना है, 2000, 4000, 6000, ये आपको ध्यान देना है। तो वापस से देखो, इसके लिए जैसे संपत्ति मानना है, संपत्ति मानते मैंने बताया था इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और नाम क्या आएगा उसकी जगह, वो आ जाएगा आपके लाइफ पॉलिसी, ये आ जाएगा आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम आ जाएगा, ये रहा, तो यहाँ क्या नाम आएगा आपके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। विधि नंबर दो, दूसरी, सबसे पहले 2012 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस्त चुकाएंगे टू बैंक, कितना चुकाएंगे, 6000 रुपये, फिर साल के एंड में 31 मार्च को पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, पी एंड एल में, उससे पहले आपको कुछ पैसा क्या करना है, सरेंडर करना है, कितना सरेंडर करेंगे, पहले साल कितना था, जीरो, तो नहीं लिखो तो चलता है, चले तो जीरो, और पी एंड एल में कितना जाएगा बताओ, एंट्री पूरी करनी है, ये भी हो गए 6000, ये भी हो गए 6000, हमने कुछ भेजा ही नहीं, तो पूरा पूरा कहाँ जाएगा आपके, पी एंड एल चला जाएगा, क्योंकि पहले साल सरेंडर वैल्यू कितना है आपके, जीरो है, तो जीरो है, तो इसमें आपको यहाँ सीडी में जीरो लिखना है, नहीं लिखो तो भी चलता है, वैसे खाली छोड़ो तो भी चलता है। अब अगला है आपके 2013 1 अप्रैल को,
हमने वापस तो एक किस्त चुकाई। ऐसे जाओ तो ये वाला यहाँ लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी जीरो बैलेंस है लिखने के काम ही नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा आपके, 6,000 रुपये किस्त चुकाई। अब 2014 में 31 मार्च को हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले आपको कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, बैलेंस CD। अब देखो 2014 में 31 मार्च को कितना सरेंडर करना है, 2000 सरेंडर करना है। तो 2000 हम यहाँ लिखेंगे, बाकी कितना बचा, 4000 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपके 6000 और ये भी हो गया आपके 6000। अब ये CD है इसमें, तो CD है तो फिर आगे भी आएगा। यहाँ कर देंगे 2014 1 अप्रैल, यहाँ क्या लिखेंगे वापस से, टू बैंक, कितना ये वाला CD यहाँ आएगा, बैलेंस CD आता आगे, बैलेंस CD लिखना था, BD, कितना BD, 2000 रुपये। ये इस साल का CD है, इस साल क्या हो जाएगा, बैलेंस BD। अब आपको 1 अप्रैल को ही पैसा चुकाने हैं टू बैंक, कितना चुकाएंगे बताओ, पैसा चुकाएंगे हम 6000 रुपये। और 2015 में 31 मार्च को हम कुछ पैसा कहाँ भेजेंगे, हम P&L में भेजेंगे, और बाकी पैसा क्या करेंगे, हम सरेंडर कर देंगे, बैलेंस CD। सरेंडर वैल्यू पहले आएगा। अब इस साल सरेंडर वैल्यू कितना है, 4000 रुपये, तो यहाँ कितना आएगा आपके, 4000 रुपये आएगा। ये कितना हो गया, 8000, ये भी कितना कर देंगे, 8000। अंतर की जो राशि है ना वो जाएगी P&L में, कितना जाएगा P&L में, 4000 रुपये जाएगा। अब ये बाई में है तो ये कहाँ आएगा आपके, 2 में, यहाँ लिखना है 2016 1 15, यहाँ आएगा आपके 1 अप्रैल को, यहाँ लिखना है 2 बैलेंस BD, ये 4000 यहाँ आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसी तारीख को 1 अप्रैल को क्या करेंगे, हम पैसा चुकाएंगे लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाएंगे, कितना प्रीमियम है, 6000 रुपये प्रीमियम है। तो 2016 में 31 मार्च को यहाँ क्या आएगा, बाई P&L, बैलेंस फिगर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई बैलेंस CD, ये कितना हो रहा है आपके, 10000, ये भी कितना करना है आपको, 10000। CD में क्या आएगा आपके, सरेंडर वैल्यू कितना है, 6000 रुपये, तो यहाँ लिखना है 6000 रुपये, तो P&L कितना जाएगा, P&L में 4000 रुपये। अब ये बाई में देखा आएगा आपको, 2 में 2016 1 अप्रैल, और 2 क्या लिखना है आपके यहाँ पर, बैलेंस BD। अब यहाँ आपके कितना बैलेंस दे रखा, आपके 6000 रुपये। वापस से किस्त चुकानी है आपको, 0 हो गया, 2000, 4000 और 6000 पूरा हो गया, 13, 14, 15, 16। अब यहाँ क्या आएगा आपके, अब हमें किस्त चुकानी है, तो क्या देखेंगे यहाँ पर, 1 अप्रैल को किस्त चुकाएंगे, 2 बैंक, कितना, 6000 रुपये। अब उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, डेथ कब हुई बताओ, डेथ कब हुई, 1 जून को डेथ हुई, तो 1 जून को डेथ हुई ना, तो हमने पैसा चुका दिया अप्रैल को, 1 जून डेथ हुई तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे पैसा आएगा सीधे ही, पहले बताया तारीख 1 ही दे रखी है तो क्लेम करने का काम ही नहीं है। देखो पहले मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये खाता इंश्योरेंस प्रीमियम का है, और यहाँ पर खाता इंश्योरेंस कंपनी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का है, दोनों अलग अलग नाम है, इसलिए मैंने इसके साथ में नहीं लिखा। लेकिन अब देखो ये खाते का नाम भी क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी आपके, मैंने बीच में लिखी थी नहीं, एंट्री भूल गया, क्या एंट्री थी, केस अकाउंट ER2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो इन दोनों में से एक एंट्री करेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके, यहाँ क्या लिखते हैं, हम पहले क्लेम करते हैं, ये पैसा आता है, पैसा कौन देती है हमें, इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो DR6 कट जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, एक एंट्री आएगी, क्या एंट्री होगी, केस अकाउंट DR2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये है 2 में, तो बाई में क्या आएगा, केस, ये दो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ही आपके अकाउंट है, तो ये आपके किस में है, 2 में है, तो बाई में क्या आएगा आपके यहाँ पर, केस। इतनी देर हम पैसा दे रहे थे, अब पैसा आएगा, कब आएगा, 1 जून को आएगा, 2016 को जब उसकी डेथ होगी तब पैसा आया, कितना रुपया आएगा, पूरा आएगा, पूरा कितना था, 80,000 रुपये पूरा आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 80,000 रुपये लिखेंगे, यहाँ भी कर देंगे 80,000 रुपये, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 80,000, 80 में से 12 गए, पीछे कितने बचे आपके, 68,000 रुपये। इन 68,000 को तीनों में बांट देंगे, 2 पार्टनर कैपिटल, ये क्या कितने बटेंगे,
ए में, बी में और सी में, तीनों में बढ़ जाएंगे। अनुपात क्या है देखो आपके, दो दो एक का अनुपात है। तो 68,000 बट्टा कितना करेंगे हम, 5, 13,600 होता है। तो यहाँ कितना आएगा आपके, 13,600, इसका डबल कर देंगे, ये आता 27,200, यहाँ 27,200 आ जाएगा। पहले क्या होता था कि आपके खर्चा मानते थे तो इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज़ करते थे, और यहाँ आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों में फ़र्क था, इसलिए हम अलग लिखते थे। लेकिन यहाँ अलग लिखने काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके ये खाते का नाम ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो सीधा यहीं आ जाएगा टू गेस। अब ये 30 स्थिति एक और है, इसमें क्या मानना है आपको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी संपत्ति मानना है, ये खाता बनाएंगे, और किसका निर्माण करेंगे हम, रिजर्व का निर्माण करेंगे, ये वाली स्थिति। तो इसमें सेम ये वाला ही है जैसे हमने यहाँ किया था, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है देखो, सबसे पहले तो आपको खाता बनाना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी और रिजर्व का, दोनों खाते बनाने। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दोनों साथ में बनाने देखना। सबसे पहले है आपके 2012 एक अप्रैल को हमने किस्त चुकाई टू बैंक, कितना चुकाया हमने, 6,000 रुपये चुकाए। अब 2013 को 31 मार्च को हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, पीएनएल में, अब कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और जितना वैल्यू सरेंडर है वो यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी में। तो पहले साल कितना सरेंडर है, निल है, जीरो, कोई सरेंडर नहीं है। तो यहाँ कितना आ रहा है आपके, 6,000 रुपये। तो यहाँ भी कितना आएगा आपके, 6,000 रुपये, अकाउंट क्लोज। अब ये भाई में, तो ये किस में आएगा, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो यहाँ क्या आएगा आपके, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितना, 6,000 रुपये। और तारीख कितनी है आपकी, यहाँ पर 2012 एक अप्रैल। और यहाँ अब हम क्या करेंगे, पैसे कहाँ करेंगे हम, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, पी एंड एल में। कब, वही ये मार्च है, 31 मार्च है 2013, 31 मार्च का ध्यान देना। मतलब पी एंड एल कब ट्रांसफ़र करते हैं, साल के एंड में। कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम, 6,000। वैसे यहाँ पर क्या आता है आपके, बैलेंस सीडी भी आएगा, यहाँ कॉपी है पूरा, ये लाइन इधर आएंगी और इधर वाली लाइन आपके इधर आएगी पी एंड एल के रूप में सेम। तो यहाँ क्या आएगा आपके, जीरो है ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ कितना हो गया आपके, 6,000, यहाँ भी कितना कर देंगे, 6,000। अब चौथ ये सीडी है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, बाई बैलेंस बीडी 2013 में 31 मार्च को, लेकिन आगे है ना, 1 अप्रैल को अगली तारीख कहाँ ट्रांसफर, यहाँ क्या, जीरो ही वैसे मतलब है लिखने का। इधर भी सेम, ये बाई बैलेंस सीडी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, टू बैलेंस बीडी, यहाँ भी कुछ पैसा है नहीं, 2013 आ गया और 1 अप्रैल आ गया। इसी तारीख को हमने वापस से क्या चुकानी है, एक किस्त चुकानी है, कितने की, 6,000 रुपये की। अब यहाँ आएगा आपके 2014 31 मार्च को हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पहले कहते थे पीएनएल में, अब कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और कुछ पैसा आपको करना है सरेंडर, ये हो रहा है आपके 6,000। और यहाँ भी कर देंगे कितना हम, 6,000 रुपये। अब इस बार सरेंडर कितना है आपके, 2,000 रुपये सरेंडर है। तो यहाँ कितना आएगा आप सरेंडर वैल्यू, 2,000, पीछे कितना बचा आपके, 4,000। ये है बाई में, तो ये किसमें आएगा आपके, टू में। तो यहाँ लिखना है टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितना, 4,000 रुपये। और यहाँ लिखेंगे हम देखो पेन, अब यहाँ वही सेम जो यहाँ लिखा है सीडी, वापस यहाँ लिखना है टू बैलेंस सीडी, कितना, 2,000 रुपये। तारीख कितनी है, 31 मार्च, और ये आ जाएगा आपका कौन सा, 31 मार्च, ये 2000 कौन सा, ये 13, 2014 में आ जाएगा यहाँ पर, यही तारीख यहाँ आएगी सेम तारीख यहाँ भी। अब यहाँ पर लिखेंगे 2014 का 31 मार्च को हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएन ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना करेंगे पीएन ट्रांसफ़र, पूरा 6,000 रुपये, क्योंकि यहाँ जोड़ कितनी हो रही है, 6,000, तो यहाँ भी जोड़ कितनी हो जाएगी आपके, 6,000 रुपये। अब ये है आपके टू में सीडी, तो यहाँ क्या आएगा आपके, बाई बैलेंस बीडी, कब, 2014 में 1 अप्रैल को, कितने रुपये आएंगे यहाँ पर, 2,000 रुपये। वैसे इधर भी आएंगे आपके, ये है आपके सीडी, तो यहाँ क्या आएगा आपके, टू बैलेंस बीडी, सन कौन सा, 2014 1 अप्रैल को, कितना बैलेंस आया, 2,000 रुपये। अब
पूरा कॉपी है, जो इधर लिखा हुआ है ना वो इधर लिखना है, जो इधर लिखा हुआ वो सेम आपके इधर आता रहेगा। अब अगली एंट्री है आपके, इसमें देखो आप वही हर साल 1 अप्रैल को क्या करना है आपको, किस्त चुकानी है, तो यहाँ आएगा टू बैंक कितना 6,000 रुपये। अब 2015 में 31 मार्च को पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी बचा हम कर देंगे सरेंडर। ये जोड़ आती है आपके 8,000 रुपये, तो यहाँ भी जोड़ कितनी कर दो 8,000 रुपये। इस बार सरेंडर कितना करना है आपको, 4,000 सरेंडर करना है, और 4,000 कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में। तो ये आपके देखो बाई में, तो ये क्या आएगा आपके टू में, बैलेंस बी डी 2015 1 अप्रैल, और रुपये कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पर 4,000 रुपये। अब देखो ये है बाई में, तो ये कहाँ आएगा आपके टू में, यहाँ लिखना है टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तारीख कितनी है 2015 31 मार्च को, कितना लिखेंगे 4,000 रुपये। अब देखो ये वाला सीडी भी लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सीडी कितना 4,000 रुपये। अब हमें पेन ट्रांसफर, पेन कब होता है, साल के एंड में होता है, कब एंड कब होगा 2015 में, कब 31 मार्च को, भाई कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, पेन ट्रांसफ़र करेंगे, कितना पेन ट्रांसफ़र करेंगे बताओ 6,000 रुपये फिक्स है हर बार पेन में, कितना आएंगे ये जो यहाँ बैंक में लिखते हैं ना, इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में कहाँ लिखेंगे हम, पेन लिखेंगे 6,000 रुपये। ये कितना हो गया आपके 8,000, ये भी कितना हो जाएगा 8,000। ये सीडी है 1 अप्रैल को 2015 को ही 1 अप्रैल को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, बैलेंस बीडी आगे ले आएंगे इसको 4,000 रुपये। अब लास्ट साल है, इसके बाद एक और है। अब सबसे पहले आपको 1 अप्रैल को क्या करना है, किस्त चुकानी है, तो यहाँ क्या आएगा आपके टू बैंक कितना आएगा 6,000 रुपये। यहाँ आएगा 2016 31 मार्च को कहाँ भेज देंगे हम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भेज देंगे, और बाकी बच्चा सरेंडर करेंगे, सरेंडर कितना करेंगे इस बार 6,000 सरेंडर करेंगे, और बाकी बचा देखो यहाँ जोड़ कितनी हो रही है आपके, ये हो रहा है 10,000 रुपये, तो ये भी कितना कर देंगे हम 10,000 का, 10 में से 6 गए 4,000 रिजर्व। तो ये सीडी है, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके बीडी 2016 1 अप्रैल को टू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बैलेंस बीडी कितना है 6,000 रुपये। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, तो टू में क्या आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी और टू बैलेंस सीडी कितना 4,000 और 6,000 रुपये, और तारीख कितनी आएगी 2016 31 मार्च। अब 2016 में 31 मार्च को हम कहाँ भेजेंगे इसे, पेन ट्रांसफ़र कर देंगे, ये कितना 10,000, तो ये भी कितना 10 में 4 गया 6,000 रुपये फिक्स आएगा। अब ये है सीडी, तो ये क्या हो जाएगा आपके बीडी, कब 2016 में 1 अप्रैल को, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, बाई बैलेंस बीडी कितना है 6,000 रुपये। अब क्या हुआ, किस चुका दी हमने 1 अप्रैल को टू बैंक, कितना चुकाया 6,000, और क्या हो गई इसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई तो यहाँ क्या आएगा आपको 2016 में 1 जून को, पहले आपको खाता ये बंद करना पड़ेगा, तो जैसे डेथ होती है तो क्या करेंगे यहाँ पर 2016 को 1 जून को ये जितना भी 6,000 बचा हुआ था बैलेंस बीडी ये जो दे रखा है ना वो पूरा कब कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इस अकाउंट में, कहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा ये अकाउंट बंद कर देंगे, क्योंकि हमने रिजर्व किया था पैसा बचाया, तो बचाने से फ़ायदा होगा। अभी देखो क्या फ़ायदा, देखो ये टू में ये क्या आएगा आपके बाई में, यहाँ क्या लिखेंगे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कितना आया 6,000 रुपये आया, और साथ में वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, तो यहाँ क्या आएगा केस कितना आएगा केस 80,000 रुपये। अब कर लो इनकी जोड़, ये कितना हो रहा है आपके 86,000, यहाँ भी कितना कर लें 86 में से 12 गए पीछे कितने बचे 74,000। देखो हमने रिजर्व किया, रिजर्व किया फ़ायदा क्या हुआ, पहले हमने रिजर्व नहीं किया था तो कितने आ रहे थे आपके पास 68,000 आ रहे थे, इधर कुछ नहीं आ रहा था, जैसे आपने रिजर्व किया तो आपको क्या हुआ 6,000 का क्या हो गया फ़ायदा हो गया,
आपके पास ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि रिजर्व का जो बचा हुआ पैसा है ना वो भी मिल गया, और आपको यहाँ पर किस्त चुकाने में अंतर ज़्यादा आ रहा है, तो पार्टनर को पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू पार्टनर कैपिटल ए में, बी में और सी में तीनों में बांटेंगे। अनुपात क्या आ जाएगा आपके, दो दो एक का अनुपात हो जाएगा, तो दो दो एक का अनुपात बांटो, ये है आपके 74,000 में भाग देंगे पाँच का, ये आ रहा है आपके 14,800 रुपये, इंटू दो कर देंगे, ये आ रहा है आपके 29,600 रुपये, 29,600 रुपये। तो सब मैंने कंप्लीट बताया हुआ है इसमें कम्प्लीटली। पहले क्या था, इंडिविजुअल बैंक पीनल बैंक पीनल बैंक पीनल करते रहना है, और यहाँ पर एंट्री आपको जैसे मरे तो पैसा आएगा, पहले तो क्लेम करना है, फिर पैसा आएगा, और फिर पैसा और सरेंडरेबल साथ में जोड़कर ट्रांसफ़र कर देना। दूसरा बताया था मैंने कौन सा, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें ये पहली स्थिति है, खर्चा मानते हैं, खर्चा मानेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक पीनल करते रहेंगे, यहाँ सरेंडरेबल बीच में आएगा ही नहीं, और जैसे ही मरता है तो हमें पहले करना है क्लेम, फिर पैसा आएगा, और फिर तीनों में बांट लेंगे, या सरेंडर वाले कोई मतलब भी नहीं है। फिर है अगली स्थिति बताई थी मैंने, वो थी आपके कौन सी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या मानना है, विनियोग मानना, तो ये विनियोग मानते कोई बैंक सीडी बीडी करते रहना है, यहाँ पर पैसे थोड़े कम आएंगे, 80,000 ही आएंगे, लेकिन जैसे हम रिजर्व का निर्माण करते हैं तो ये 6,000 रुपये बच जाएंगे, और ये 6,000 यहाँ आएंगे, और पैसा आपके ज़्यादा आएगा यहाँ पर। तो ये तीन स्थितियाँ, ये है एक वो है।